चित्रकूट में एटीएम में पैसा डालने वाली ईएमएस कंपनी के दो कर्मचारी पैसा लेकर फरार हो गए हैं। ईएमएस कंपनी ने एफआईआर दर्ज करवाई है। एटीएम में पैसा डालने वाली ईएमएस कंपनी के दो कर्मचारी 78,80,000 रुपया लेकर चंपत हो गए। चित्रकूट के सदगुरु नेत्र चिकित्सालय जानकी कुंड स्थित एचडीएफसी बैंक के एटीएम में इसकी जांच करने पहुंचे कंपनी के ऑपरेशन मैनेजर करण मेहता ने यह जानकारी दी। ऑपरेशन मैनेजर मेहता ने बताया कि कंपनी यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, इलाहाबाद बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में पैसा डालने का काम करती है। प्रदीप पांडे और विकास पांडे नामक दो लड़के एटीएम में पैसा डालने के लिए रखे गए थे, जहां प्रदीप पांडे अयोध्या फैजाबाद जिले का रहने वाला था और विकास पांडे कानपुर का रहने वाला था। दोनों ही के मोबाइल 17 नवंबर से बंद आ रहे थे, जिसके बाद कंपनी ने जांच शुरू की। चित्रकूट से पंकज कुशवाहा की रिपोर्ट। करण मेहता, मैं ऑपरेशन मैनेजर हूं कंपनी में। ये कौन सी कंपनी है? ईएमएस इंफो सिस्टम। क्या काम करती है कंपनी? ये जितने भी यूनियन बैंक हैं उनके एटीएम में कैश डालने का काम करती है। केवल यूनियन बैंक ही या और कोई बैंक? नहीं, बाकी और बैंक है, एचडीएफसी है, इलाहाबाद है जी, पंजाब नेशनल बैंक है, और सारे बैंक हैं। तो आज ये क्या मामला हो गया? अभी 3 दिन पहले से ही मामला चल रहा है जी। यहाँ दो लड़के काम करते थे, विकास और प्रदीप पांडे जी। तो 17 तारीख से मालूम चला कि शाम को फ़ोन बंद करके दोनों लोग फरार हैं। जब हमने पता करने की कोशिश की, दोनों के नंबर बंद मिले जी। फिर कानपुर से एक टीम आई ऑडिट के लिए, उन्होंने ऑडिट में पाया कि कुछ पैसा कम है। जब पूरा ऑडिट हुआ तो करीब 70 लाख रुपया कम निकला। और अभी हम इस एटीएम में हैं, इसमें भी 8,80,000 रुपये कम है, तो कुल कम धनराशि पाई गई है 78,80,000। तो ये माने दोनों लोग लेके भाग गए, इसका मतलब? हाँ, दोनों लोग भाग गए। अभी उनका कोई रता पता नहीं? अभी कुछ रता पता नहीं। कंपनी ने उनके खिलाफ एफआईआर करा दी है, आज शाम को उसकी शायद कॉपी मिल जाएगी 5-6 दिन। ये कहाँ के रहने वाले थे दोनों लड़के? एक विकास पांडे रहने वाला है कानपुर का जी, और प्रदीप पांडे रहने वाला है अयोध्या जिले का, फैजाबाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।